जोशीमठ में क्यों दरक रही देवभूमि? उखड़ गई टाइल्स, दीवारों में पड़ गई दरारें। जोशीमठ से दहशत की आंखों देखी, मुश्किलों के सारे दर्द की ये दरारें। जोशीमठ में आई भूदशाव की आपदा को लेकर अब विपक्ष ने भी आपदा प्रभावित जोशीमठ नगर में डेरा डाल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, क्षेत्र के स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी सहित कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों और भूदशाव क्षेत्र में कराए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों पर पैनी नजर बनाई। आपको बता दें कि मध्य रात्रि में भी गांधी मैदान में भी रिलीफ कैंपों में अपनी ड्यूटी दे रहा प्रशासन का अमला दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर पूरा विपक्ष राहत शिविर के बाहर नजर आ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत भी आपदा प्रभावितों का हालचाल जानने दे रहे रिलीफ सेंटरों के दरवाजे खटखटाते नजर आए। जो त्वरित कार्रवाई होनी थी बचाव की, उसमें थोड़ी सी पहल हुई है, मगर अहेतुक सहायता की जो घोषणा की गई है वो अत्यधिक कम है। और जहां लोगों को इस समय रोका गया है, सेल्टर जो दी गई है वो संतोषजनक नहीं है, वहाँ सभी व्यवस्थाएं नहीं हैं और जोशीमठ जैसे ठंडे स्थानों के लिए जो व्यवस्था आवश्यक है वो सब नहीं की गई है। होटल्स के मामले में भी पिक एंड चूज मेथड अपनाया जा रहा है, जिसमें सुधार करने की जरूरत है। जोशीमठ भूदशाव मामले को लेकर अब केंद्र भी गंभीर हो गया है। पीएमओ में इस मामले पर हाई पावर समीक्षा मीटिंग भी हो चुकी है। पीएमओ कार्यालय की इमरजेंसी मैनेजमेंट की तैयारियों के पहले चरण में सचिव सीमा प्रबंधन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और उनकी टीम भूदशा प्रभावित क्षेत्र जोशीमठ पहुंचेगी और ताजा हालतों का जायजा लेगी। साथ ही एक और केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम जोशीमठ पहुंच रही है और अध्ययन कर ये टीम भी अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी। फिलहाल एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की चार टीमें आपदा ग्रस्त जोशीमठ क्षेत्र में तैनात हैं। आपदा की मॉनिटरिंग करने जहां प्रदेश सरकार के बड़े कैबिनेट मंत्रियों से उच्च अधिकारियों और भूगर्भ शास्त्रियों की टीम और एसडीआरएफ एनडीआरएफ दल का जमघट जारी है, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस विपक्ष टीम पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के साथ जोशीमठ में मोर्चा संभाले हुए हैं। उनका कहना है कि प्रभावित परिवारों के साथ ही पूरे जोशीमठ नगर के परिवारों को बद्रीनाथ मास्टर प्लान प्रभावितों की तर्ज पर सरकार मुआवजा दे। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण मेहरा ने कहा कि जोशीमठ की इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और क्या क्या कहा प्रेस में, आइए सुनते हैं। पहली बार ऐसा सवाल आपने किया, जोशीमठ की स्थिति बहुत दिनों से चिंता का कारण बनी, लोग उठा रहे हैं, लेकिन दो तीन तारीख से जब प्रकृति ने या जमीन ने नीचे धरातल ने एक प्रबल चेतावनी दे दी, मिले प्रभावित क्षेत्रों को देखा भी, प्रभावित का पूरा शहर प्रभावित, और हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूरा जोशीमठ सिंक कर रहा है, फंसना है। 609 घर अभी प्रशासन ने चिन्हित किए हैं, लेकिन संख्या इससे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जिसमें दरारें विजिबल हैं उन्हीं को चिन्हित किया है, जबकि जमीन में सभी जगहों फंसाओं जोड़ना जरूरी है। जहाँ हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे, तो जैव विविधता का भी केंद्र, ये हर तरीके से जोशीमठ अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसकी एक एक कण महत्वपूर्ण है। इसलिए पुराने जोशीमठ का जो भी ये जोशीमठ है, इस समय ये जोशीमठ है, नया जोशीमठ बनाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबसे पहले चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए केंद्र के द्वारा, क्योंकि जो मानक है राज्य के और राष्ट्रीय उसके, उसका बहुत फर्क है, और मुझे लगता है कि न्याय तभी हो पाएगा जब हम इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में माने और सरकार जो है उसको राष्ट्रीय आपदा का जो है दर्जा दे। दूसरा, एक यहाँ पर दो तीन चीजें मेरे नॉलेज में आई लोगों से मिलने के बाद, उनको लगता है कि एनटीपीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो जेपी का प्रोजेक्ट था उसकी वजह से ये दिक्कतें हैं, साथ में ड्रेनेज को मेन उन्होंने कहा गया है। हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से टाउनशिप डेवलप होती है, प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, और
यहाँ पर एक प्रश्न और आया था, एक मेरे भाई ने कहा था कि आप देर में आए हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पहले ही देहरादून में प्रेस भी की थी और परसों आदरणीय प्रीतम सिंह जी यहाँ आए हैं हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और कल से माननीय हरीश रावत जी, आदरणीय गणेश गुर्जर जी, हमारे विधायक जी यहाँ कैंप करे हैं। और आपको संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि ये आपदा आज शुरू नहीं हुई, इसमें 2021 से लोग घेरे में आने लगे थे और लोगों ने बात करी थी, और मुझे याद है कि आज से 8 महीने पहले लगभग मैं और आदरणीय विधायक जी यहाँ का जो पहला वार्ड है वहाँ जब जैसा हुआ था उसमें गए थे, हमने लोगों के ज्ञापन भी लिए थे और उसमें चिट्ठी हम मुख्यमंत्री को दे चुके हैं। 7 महीने पहले करीब यहाँ के अस्पताल में जो नागरिक चिकित्सालय है उसमें वो धस रहा था, उसमें क्रैक्स आई थी, उस समय भी हम लोग जोशीमठ में थे। तो ऐसा नहीं है कि करण मेहरा या कांग्रेस यहाँ आज से सक्रिय है, दिक्कत ये